बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले हमने इसके चार क्वेश्चन कर लिए थे, आज चौथा क्वेश्चन हम करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया, हमें कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 4, 6, और हमें कहा गया कि आप ये प्रूव करें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दूसरे लफ्ज़ों में आपको ये तीन सवाल दे दिए गए, आपका ये एक सवाल एक हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। तीन क्वेश्चन उसने एक वक्त में दे दिए और ये कहा कि इन तीनों का रिजल्ट जो है, आंसर जो सेम आना चाहिए। बज़ाहिर इसकी स्टेटमेंट बहुत लेंथी सी फील होती है, ऐसे लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। हम बारी बारी एक एक चीज़ इसकी पहले प्रूफ कर लेते हैं। इसका आंसर निकाल लेंगे, इसको 1 लिख लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे, इसको 2 लिख लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे, उसको इक्वेशन 3 बना लेंगे और एंड में कह देंगे जी फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट द सेम आंसर। ओके, अब देखें पहला क्या दिया गया जी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने ये फाइंड आउट करना है जी ए इंटू एडजॉइंट ए। तो आपके पास ये दिया गया है, इसका एडजॉइंट चाहिए आपको। एडजॉइंट क्या होगा, बना लेंगे एडजॉइंट, हम इधर ही लिख लेते हैं जी। पहले ए लिख लें, ए क्या जी 1, 4, ये 2, ये 6। अब इसी का एडजॉइंट लिखना है। ए का एडजॉइंट क्या होगा कि इनकी हमने क्या चेंज करनी है, पोजीशन, यानी 6 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। इनकी क्या चेंज करनी है, साइन चेंज करना है, ये -4 और ये -2। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, एडजॉइंट को पहले लिख लेंगे, ए को बाद में लिख लेंगे, दूसरा पार्ट हो जाएगा। चलो पहले आइए इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये वाली फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। देखें जी, पहले को पहले के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में प्लस, फिर दूसरे को दूसरे के साथ 2 इंटू -4, यहाँ थोड़ी सी स्पेस दे दें। इसी रो को दोबारा अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। हाउ, 1 इंटू -2, पहले को पहले के साथ, इस दूसरे को इस दूसरे के साथ, +2 इंटू 1। यहाँ तक की बात समझ ना आई। अब इस पहली रो का काम ख़त्म हो गया। सेकंड रो ने बारी बारी उन दोनों के साथ, इस रो ने पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, आंसर यहाँ लिखना है, फिर इसी रो ने इसके साथ कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, आंसर यहाँ लिखना है, और पहले को पहले के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, +6 इंटू -4, और जी इसी को दोबारा 4 इंटू -2, +6 इंटू, ये 1 हो गया। इसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर दें क्योंकि इसका साइज़ कम है। अब मैं जिससे पूछूं वो मुझे बताएगा जी। हबीब बेटे आप बताएं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। 6 बंदा, हाँ जी, प्लस माइनस, हाँ जी, 4 2 8, इट्स ओके, हाँ जी, 4 6 24, प्लस माइनस 24, हाँ जी, 2 बंदा 7 माइनस आ जाएगा, +2 बंदा 2, ये -8 +6। आप जी फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं जी। आपका नाम साद है बेटे, साद बेटे, +6 है, -8 है, तो क्या बचेगा, पहले तो ये बताएं। प्लस माइनस होता है 8 में से, यानी आपके पास 8 रुपए हैं, 6 रुपए आपने खर्च कर लिए, बाकी कितने बचे, 2 रुपीस, यानी 2 रुपए, ठीक है। अच्छा, साइन साथ कौन सा आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही लगाना होता है। हाँ जी मिस्टर एहतशाम, माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 आ गया जी। हाँ अच्छा जी, ये +24 है, -24, मुकीत क्या आंसर आएगा बेटे, 0, बिकॉज दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गए। अच्छा, -8 है, +6 है जी, जी यासिर आप बता दें जी, -2, पहले तो ये बताएं कि 8 ये होंगे क्या,
ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे, कैसे पता चला आपको? साइन से देखा, क्योंकि एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो आठ में से छः गए दो। अब उसका साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। तो जी ये क्यों माइनस आएगा? बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होता। तो ये आज आपके पास आ गया ए इनटू एड जॉइंट ए का आंसर आ गया, जिसको आप इक्वेशन नंबर वन बना लेंगे। ये आपका तकरीबन आधा सवाल हो गया। अब यही काम हमने इसके साथ करना है, वो कैसे? दूसरी बात ये थी कि जी एड जॉइंट ए पहले लिखें, ए बाद में लिखें और इसको सॉल्व करें। एडजॉइंट क्या था? ये वाला, ये चाहे दोबारा नया बना लें। क्या होता है एडजॉइंट ए का? इनकी जगह चेंज कर दें, ये सिक्स आ जाएगा, यहाँ इनके क्या चेंज कर दें, साइन माइनस फोर और ये माइनस टू। इसके बाद क्या आएगा? ए यही एज इट इज़ वन फोर टू एंड सिक्स। जी बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लीकेशन करनी, सो सिंपल। क्या करेंगे जी, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन, फिर ये प्लस, ये माइनस टू किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? फोर के साथ। थोड़ी सी स्पेस दे दें, अगेन सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू प्लस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय जी। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकेंड के साथ, उसी तरह माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय फोर। देखिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब इसको दोबारा माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स, सिक्स वन दा प्लस माइनस टू, फोर दार एट, फोर वन दा फोर, फोर वन दा फोर, सिक्स टू दार ट्वेल्व, सिक्स टू दार ट्वेल्व, फोर टू दार एट, सिक्स वन दा लो जी। इसी को आप यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं कि जी, चलो इधर ही लिख लेते हैं जाके, प्लस का सिक्स माइनस का एट माइनस का टू, ये कैंसिल आउट हो गया ज़ीरो, ये कैंसिल आउट हो गया ज़ीरो, ये माइनस का एट प्लस का सिक्स माइनस का टू बच गया जी। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर टू बना लेना है, इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेना है? ये किस चीज़ का आंसर है आपके पास? एड जॉइंट ए इन टू ए, वो क्या था? ए पहले एड जॉइंट बाद में, अब क्या एड जॉइंट पहले ए बाद। अब आपको देखे दोनों का आंसर सेम नज़र आ रहा है, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म है नहीं हुआ, क्योंकि उसका तीसरा पार्ट भी था कि इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई जो था। तो ये थोड़ा सा दरवाज़ा कर दें, अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है जी? डिटर्मिनेंट, ये डी ई टी का मतलब है डिटर्मिनेंट, किसका? ए का, और साथ के तक इसको किससे मल्टीप्लाई करो? आई के साथ। डिटर्मिनेंट तो हम जैसे मॉड लेना सीखा था वो ले लेंगे, और आई क्या चीज़ है पहले आई का पता होना चाहिए। आई जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आई क्या होता है जी? ये होता है वन ज़ीरो ज़ीरो वन। आई क्या होता है? वन ज़ीरो, उसमें नहीं आ रहा, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये देखें जी, आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वन ज़ीरो ज़ीरो वन इसकी वैल्यू होती है, आपने खुद से याद रखना है। अब डिटर्मिनेंट ए का मतलब यह कि पहले आप ए लिखें, ए क्या था जी? वो वन फोर और ये टू सिक्स। डिटरमिनेंट के लिए हम क्या करते थे? पहले उसको इस तरह पैरेलल लाइंस में यानी स्ट्रेट लाइंस में लिखते थे, उस तरह लिख लें। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वन मल्टीप्लाई बाय सिक्स माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये सिक्स वन दा सिक्स माइनस फोर टू दार एट, कितना बच गया जी? माइनस का टू। ये ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इसकी जगह वही वाला लफ्ज़ भी लिख सकते हैं वो जो उसने यूज़ किया था, क्या था वो? डिटर्मिनेंट यानी डी ई टी ए, यही था ना डिटर्मिनेंट ए निकालना था आपने, वो क्या आ गया आपके पास? माइनस टू। अब एंड में आके दोनों को इकट्ठा कर दें। क्या था जी हमने फाइंड आउट क्या करना था? हमने फाइंड आउट ये करना था डिटर्मिनेंट ए इन टू आई। अब डिटरमिनेंट ए का क्या आंसर आया? माइनस टू। आई क्या चीज़ है? वन ज़ीरो ज़ीरो वन। इस माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें,
क्या आ गया जी, माइनस टू, ज़ीरो, ज़ीरो, माइनस टू। इसको बना लें इक्वेशन नंबर थ्री। ये किसका आंसर है जी, डिटर्मिनेंट ए इन टू आई। अब ज़रा गौर करें, इक्वेशन वन का आंसर देखें, इक्वेशन टू का देखें, इक्वेशन क्या तीनों का आंसर सेम आ गए हैं। यही बात एंड में आपने लिखनी है जी, फ्राम फ्राम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वी गेट। क्या पता चला जी हमें से, उससे हमें ये पता चला कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल था एडजॉइंट ए इंटू ए, और वो दोनों इक्वल थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आपने प्रूव कर दिया। कोई बात समझ आई, आसान था, सिंपल है। यूँ कह लें कि उसने दो तीन क्वेश्चन इकट्ठे करके दे दिए, आपने इसकी वैल्यू देखी, ए इंटू एडजॉइंट यानी पहले ए और एडजॉइंट बाद में उसको मल्टीप्लाई कर लें, दूसरे में क्या करना है एडजॉइंट वाली वैल्यू पहले ए वाली बाद में फिर मल्टीप्लाई कर लें, तीसरे में क्या करना है ए का डिटर्मिनेंट निकालना है आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो तीसरा आंसर वो हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया, वो इसकी प्रैक्टिस करें और इसको बोर्ड से उतार लें जरा।